हाय वर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंगर स्विमिंग मशीन 2263 की वर्किंग के बारे में, यानी कि सिंगर की मशीन 2263 की जो वर्किंग है इसके बारे में बताऊंगी हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये भी बता दूं कि सिंगर की जो कि ये मशीन है 2263, इसके साथ भी कोई भी किसी किस्म का अडाप्टर नहीं दिया जाता। इसके ये विदाउट अडाप्टर है और ये अक्सर होते हैं कि स्पीड कंट्रोलर नहीं होता, यहाँ पे उनके जो के होते हैं ऑन ऑफ के बटन होते हैं और स्पीड कंट्रोल के भी होते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी अलग से स्पीड कंट्रोलर दिया जाता है और साथ में ये इसका ये प्लग है जो कि हमने इसके साइड पे एडजस्ट करना होता है और इसके बाद हमारी मशीन जो होती है वो ऑन हो जाती है और हम वर्क करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इसके ओवरऑल लुक पे। ये मशीन जो है इजी है, हैंडी है और आराम से हम इसको मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी लेके आना हो जाना हो बहुत ही इजी है। इसके बाद आ जाते हैं इसकी है स्टिच लेंथ। स्टिच लेंथ में आपको एक चीज का इजाफा मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है S1। इसके बाद आ जाते हैं पैटर्न डायल जो कि हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। 23 किस्म के इसमें जो है वो दिए हुए हैं डिजाइनिंग के लिए, 22 है और कांच को मिला के 23 हो जाते हैं इसके पैटर्न डायल के हम किस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इसका विड्थ का बटन। इसके बाद आ जाता है टेंशन रेगुलेटर और रिवर्स बटन। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी दाएं साइड से, यहां से ये है हमारा स्टिच लेंथ का बटन। ओके, सबसे पहले आ जाता है स्टिच लेंथ। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके जो कि नंबरिंग है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। अमूमन जो कि बाकी है सिंगर के 2282 जो है 8280 है उसका हम इस हर से यूं करते हैं और इसमें दिया हुआ है S1। ये है S1 है, इसका क्या काम है ये भी मैं आपको बताती हूँ। और ये है हमारे डिजाइन, अगर आप गौर से देखें हमारी स्टिच लेंथ को, इसमें ये ब्लू कलर में है S1 जो लिखा हुआ है, ये हमारा है ब्लू कलर में और 0 से 1 के दिनों में रेड दिया हुआ है। इसी तरह से अगर आप गौर करें अपने पैटर्न डायल की तरफ, ये हमारे पैटर्न डायल है, ये कुछ रेड में है और ब्लू में और ब्लैक में है। तो जो बिगनर्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत इजी हो जाता है कि हमें पता चल जाएगा हमने किसके मुताबिक करना है। लेट्स सपोज अगर हम कांच करने हैं तो ये हमें गाइड करेगा, अपने कांच करने हैं तो आप अपने स्टिच लेंथ 1 और 0 के दरमियान में रखेंगे तो फिर आपका जो आप चाह रहे हैं आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जो बिगनर्स हैं ये मैं उनके लिए बहुत ईजी बता रही हूँ ताकि उनको ईजिली जो है वो समझ आ जाए। इसके बाद बारी आती है, ये एक ब्लैक दिया हुआ है पैटर्न और एक ब्लू दिया हुआ है। अगर आपने सिंपल स्ट्रेट स्टिच कर रहे हैं तो जो आपका स्टिच लेंथ चल रहा है वही चलाएंगे। साथ में अगर आप गौर से देखें तो ये आपके ब्लू भी दिया हुआ है, यू कैन सी, ये देखें ये आपका ब्लू पैटर्न भी आ रहा है। तो फिर आप कहेंगे कि ब्लू के लिए क्या करना है, ब्लू के लिए हमें दिया हुआ है S1। तो हमने क्या करना होता है ब्लू के लिए, हमने अपने इसको स्टिच लेंथ को हमने ऐसे लेके जाना है, ये देखें S1 पे हम लेके आ गए। इसके बाद ये जो इसके ऊपर ये पैटर्न डाल हम इसको आगे मूव नहीं करेंगे, जो हमारा स्टेट पे ये आ गया है तो ये खुद ब खुद ही S1 को डाल के तो हमारा ये वाला डिजाइन बनेगा। लेट्स सपोज अगर हमने ये डिजाइन करना है, ये है ब्लू कलर में है, क्या है ये ब्लू कलर में है, तो हम सिंपली जाएंगे अपने S1 पे, हम S1 स्टिच लेंथ डायल करेंगे, ऑटोमेटिकली जो हमारा ये डिज़ाइन है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। और हम चाह रहे हैं कि हमें सिंपल जो ज़िगज़ैग है हमें ये स्टिच चाहिए, तो हम इसके लिए अपनी ये जो लेंथ है हमारी स्टिच लेंथ है हम जाएंगे इसके ऊपर, ये ऐसे, ये ऐसे, ये देखिए जितनी आपने करनी हो। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि क्या डिफरेंस है स्टिच लेंथ में और स्टिच लेंथ में और पैटर्न डायल में, कि आपने जो भी अपना डिज़ाइन या पैटर्न डायल करना होता है, सिंपल ब्लैक करना है तो हमने अपनी स्टिच लेंथ जो दी हुई है हमने ये करना है, जो ब्लू डिज़ाइन कोई भी करना है तो हम S1 पे चले जाएंगे तो वो हमारा वही डिज़ाइन बनेगा जो कि ब्लू है। तो ये बहुत ही ईजी है समझने के लिए बिगनर्स हैं जो फर्स्ट टाइम अपनी मशीन जो है वो परचेज करते हैं। नेक्स्ट बारी आ जाती है विड्थ।
विड्थ किसे कहते हैं? विड्थ कहते हैं चौड़ाई को। अगर आप इधर भी देखें तो ये आपको जिगजैगिंग इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो ये किस लिए होता है? हम कोई भी डिजाइन, लेट्स सपोज अगर हमने ये डिजाइन अपना डायल किया है तो उसकी जो कि चौड़ाई है, चौड़ाई वो कितनी होनी चाहिए, तो वो हम इसके जरिए से हम करते हैं। अगर आपको चाहिए होगी वन पे स्मॉल चौड़ाई चाहिए तो इतनी आ जाएगी। अगर आपने रखना की चौड़ाई ज्यादा हो तो आप चार और पांच पे लें। ये जो होता है सिर्फ पांच तक होता है, चौड़ाई मैक्सिमम आपकी इतनी ही हो सकती है। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी टेंशन रेगुलेटर की। नॉर्मल जो कि रहता है वो फोर पे ही है। अगर आप देखें इनके ऊपर ये लाइंस बनी हुई हैं, जिस तरह से हमारी सिंगर की 82-80 की थी। ये देखें, ये हमारा तकरीबन चल जाता है, लेकिन हमें एडजस्ट करना पड़ता है कपड़े के मुताबिक। ये हमारा नॉर्मल होता है, इसके मुताबिक रख के स्टिच कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्वियसली रिवर्स का बटन है। कोई भी सिलाई हमने पुख्ता करनी हो, ये हमारी उसके लिए होते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है, ये हुक बने हुए हैं। ये जो हुक होते हैं ये हमें धागा डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से धागा भी डाल सकते हैं। तो इसकी वर्किंग बहुत ही आसान है। अगर हम बात करें 2263 की 82 की, तो जिन्हों जिन्होंने भी सीविंग मशीन लेनी है सिंगर की, तो मैं उनको यही प्रेफर करूंगी कि वो सिंगर की ट्रेडिशनल 2263 मॉडल ही खरीदें, क्योंकि ये मॉडल सिंगर की 8280 से ज्यादा बेस्ट है। सिंगर की जो कि मशीन है 82-82-80 है, 8280 है, वो अक्सर जो हमारी टी शर्ट्स हम रेडीमेड लेते हैं या फ्लेक्सिबल कपड़ा होते हैं, कहीं कहीं पे उसको टॉप करती है, स्टिच छोड़ देती है। लेकिन बनिस्बत उसके ये मशीन की, इस मशीन की जो वर्किंग है वो बेस्ट है। आप अगर मशीन खरीद ही रहे हैं तो 2-3 हजार रुपये इसकी कीमत जो है वो ज्यादा है, तो मैं प्रेफर करूंगी आप ये मशीन लें। कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि आपने इसकी और वीडियोज नहीं दी, तो वो मैंने इसलिए नहीं दी, मैं चाहती थी कि इसके बारे में मैं अच्छी तरह से समझ लूँ, फिर मैं आपको समझाऊं कि आप किस तरह से इजीली जो है वो वर्क कर सकते हैं। और इसके लिए एक और चीज भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो एक डॉट सा, अगर आप देखें ये स्पॉइल पिन है हमारी, इस स्पॉइल पिन के साथ ये दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है। इसकी वर्किंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, फिलहाल मैं आपको बताऊंगी इसके लिए कि हम इससे भी क्या कर सकते हैं। तो आपने इसको करना क्या है, आपने इस हेड को मैक्सिमम आपने ट्विंस नीडल्स यूज करनी है, तो हमें दो रखनी पड़ती हैं। सिंगर के जो 2263 उसमें ये प्रेस नहीं थी, लेकिन इसमें ये है। अपने एक इस तरह से ये देखें पिन लेनी है, और इस पिन से मैंने इसको निकाला ऊपर वाले पार्ट को, और अब इसके देखें इसके अंदर एक प्लेस बनी हुई है जिसमें आप एक्स्ट्रा स्पॉइल पिन एडजस्ट कर सकते हैं। इस मशीन के साथ एक्स्ट्रा स्पॉइल पिन दी तो नहीं जा सकती, आप कुछ भी वुडन का कोई भी चीज़ इस पर एडजस्ट करके अपनी दूसरी नल की जो है आप इजीली वहां पे वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका काम खत्म हो जाए तो आप इसको फिर से स्टॉप करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस मशीन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस मशीन का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ है, जो बिगनर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मशीन ली होगी उनके साथ आई होप यकीनन ये प्रॉब्लम फेस उन्होंने की होगी। अगर की है तो जरूर बताइएगा। आप कुछ डिजाइनिंग सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपने जब स्ट्रेट स्टिच करनी होती है, आपकी जो नीडल्स है वो आपकी साइड पे हो गई हो, कभी हुआ ऐसा? ये नीडल जो मेरी फिलहाल जो है ये देखिए ये है सेंटर पे ही है, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई डिजाइनिंग अपनी सेलेक्ट की हो और ये देखिए अब नीडल मेरी हो गई है साइड पे, ठीक है, और लेकिन जो मेरा स्टिच ये जो मैंने लिखा हुआ अपना ये मेरा स्टेट है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारी मशीन में क्या प्रॉब्लम हो गई है, ये सेंटर में नहीं है। ये देखिए ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। गौर से देख लें, ये स्टिच लेंथ मेरा स्टेट है, ये मेरा वही नॉर्मल 2-3 पे है, लेकिन आप गौर से देखें तो हमारी नीडल जो कि है वो सेंटर में नहीं है। गौर से देखें आप, ये जहाँ पे अगर होती है हमारी नीडल यहाँ पे, तो सेंटर में होती, सेंटर में नहीं है। तो उसकी क्या वजह हो सकती है ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये वजह ये होती है कि ये जो हमारा विड्थ होती है, जब तक आप अपने इस विड्थ को 2 और 3 के सेंटर में नहीं रखेंगे, ये डॉट्स दिया हुआ है ये है ही इसलिए कि अगर आपने स्टेट स्टिच करना है तो आप जब तक अपनी इसको विड्थ पे आप 2-3 के दरमियान में नहीं लाएंगे, आपकी नीडल सेंटर में कुछ भी कलर नहीं आएगी। आप देखें सेंटर में है, ये देखिए सेंटर में आ गई है ना। तो यही अगर आपकी नीडल सेंटर में ना आ रही हो, अगर आपका स्टिच लेंथ जो है ये अपने स्टेट ही किया हुआ है, अगर सेंटर में नहीं आ रही, तो उसकी वजह यही है कि आपका ये चीज जो है सेंटर में नहीं। अगर आपका इधर किया हुआ है 4 पे है, तो आपकी नीडल ऑटोमेटिकली साइड पे हो जाएगी, आपको नजर आ रही है।
साठ पे हो गई है। तो बिगनर्स हैं जिन्होंने न्यू मशीन ली है, जो खरीदेंगे तो वो परेशान ना हो, मैं उनको बता दूं स्टेट स्टिच के लिए आपकी विड्थ जो है 2 और 3 के दरमियान में होगी, तभी आपकी नीडल सेंटर में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी बिलीव नहीं है तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर जिन जिनको ये प्रॉब्लम आई है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा उन्होंने क्या किया था। आती है कि हम अपने स्पीच कंट्रोलर को किस तरह से एडजस्ट करेंगे। इसको हमने करना है एडजस्ट इस तरह से, ये दिया हुआ है, सिंपल बहुत इजी है सिंगर की मशीनों को समझना। आपने इसको ये देखना है एडजस्ट किस साइड से हो रहा है और इसको एडजस्ट करना है, इधर फिक्स करना है, ठीक है, और आपने इसको लगाना है प्लग में। ओके, प्लग में लगा दिया, इससे आपकी ऑन होगी या आपकी ऑफ। आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ, ये देखें इसको मैंने करना है, ये ऑन हो गई, ये ऑफ हो गई। बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम इसमें थ्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं, ऊपर से भी और बॉबन की भी, इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। साथ में इसके दिए जाता है एक्सेसरी बॉक्स। एक्सेसरी बॉक्स इसमें क्या कुछ है ये मैं अनबॉक्सिंग में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से हम इसमें डाल सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं। और इसके बाद अक्सर मुझसे पूछते हैं कि इसके लिए नीडल्स हम कौन कौन से यूज करें, जो कि इसके साथ की बुक दी जाती है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आप इसको प्लीज यूज करने से पहले एक बार इसको आप लाजमी रीड कर लें। अगर आप इसकी बैक पे जाएं तो इसके ऊपर इनकी दी होती है कि क्या वजूहत होती हैं जिसकी वजह से हमारी मशीन में आती हैं प्रॉब्लम्स, और साथ में इसकी करेक्शन भी दी होती है। तो काफ़ी हद तक आप इसे खुद भी समझ सकते हैं, फिर भी समझ ना आए तो मैं हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसमें अगर आप देखें तो प्रॉपर इस बुक में आपको गाइड किया जाता है कि आपने किस तरह से वर्किंग करनी है, और नाम भी दिए हुए, बास को नहीं आ रहे होते कि इनके नाम क्या होते हैं, इनके नाम भी हैं पड़े, इनके क्या क्या नाम है, आपने किस तरह से अटैच करना है, सारा कुछ जो कि बिगनर्स हैं जो कि न्यू हैं उनको यहाँ पे गाइड किया जाता है प्रॉपरली, ये देखें। और इनके साथ जो जो भी सामान दिया जाता है ये इनके साथ दिया जाता है ऊपर वाला, और ये वाले हम खुद ही लेते होते हैं। तो इनके नंबर्स दिए हुए हैं अगर आपने अपनी मशीन के लिए लेने हो। लेकिन ये जो मैंने किट ली थी वो ब्रादर्स की हो गई, सिंगर की हो गई, दूसरी हैं उन पर ईजिली जो है वो हो जाती हैं। इसमें सारा कुछ आपको दिया हुआ है कि चेन आ रही है, अपने शटर किस तरह से एडजस्ट करना है बॉबन में, स्पॉइल पिन। अगर आप इसको गौर से देख लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाएगी इसकी वर्किंग के बारे में, आप किस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको यही प्रेफर करूँगी जो भी न्यू लेते हैं वो एक बार इस बुक को रीड थ्रू लाजमी कर लें, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ भी अगर इसमें नीडल्स के बारे में भी दिया हुआ है कि आपने कौन से कपड़े के लिए कौन सी नीडल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, पेज नंबर 23 पे। और इसके बाद फिर भी अगर आप नीडल्स अवेलेबल नहीं है अपना कपड़ा स्टिच करने के लिए, तो 16 नंबर्स की नीडल्स जो है वो तकरीबन तमाम कपड़ों पे चल ही जाती है। फिर उसके लिए जो हमें जो कि होता है इसका एडजस्ट करना पड़ता होता है, टेंशन से हमें करना पड़ता होता है। और इसकी मशीन में एक और भी बात बता दूँ कि इसके साथ का जो कि प्रेशर फुट बार का जो कि बटन होता है यहाँ पर लगा होता है, इसमें वो चीज़ नहीं है तो आपकी जान छूट गई। अक्सर कहते हैं कि हम अपने फुट को कितना कपड़े के हिसाब से एडजस्ट करें ना करें, तो इसमें इस तरह का कोई मसला नहीं है। तो इसके साथ है ही नहीं प्रेशर फुटबॉल का। और इसमें ऑयलिंग किस तरह से करते हैं मज़ीद आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। अब आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।